तो जेनेटिक कोड के बारे में स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज गैमहो एक फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फोर बेसिस हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, तो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं ज़्यादातर जो डिस्कस किए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए मेनली चार बेस पेयर हैं वही कोड करते हैं। कोड कोड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, और जो एक बेस है तो वो कोड करेंगे कुछ एक कॉम्बिनेशन के रूप में, जो कि अलग अलग बेसिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड कोड शुड बी मेड ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने बताया था कि ये 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो तीन तीन नाइट्रोजिनियस बेस का देखने को मिलेगा। ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये मैथमेटिकल पोर्शन होता है जो कि परम्यूटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो पावर फोर फोर रेज टू पावर थ्री, तो जो टोटल यहाँ पे 64 कोडोन बनते हैं। यदि हम एक तीन तीन के कॉम्बिनेशन में कोडोन को रखते हैं तो 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं वो कई कोडोन के द्वारा कोड किए जाएंगे। 64 टोटल कोडोन है, जबकि जो 20 है अमीनो एसिड होते हैं, यहाँ से 64 टोटल कोडोन देखने को मिले इस कॉम्बिनेशन से। तो इसके सपोर्टिव एविडेंसेज थे, कुछ कुछ एविडेंस थे जो कि इस जो तथ्य को, इस फैक्ट को साबित करते थे। सबसे पहला क्या था, केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हर गोविंद खुराना जी, ये अपने इंडिया के ही हैं। इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स। तो उन्होंने जो केमिकल मेथड डेवलप की है क्या करने के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए, वो एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के रूप में चलती है, जो कि होमोपोलीमर्स भी हो सकते हैं और कोपोलीमर्स भी। होमो मतलब जिसके अंदर एक जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिले, कोपोलीमर्स जिसमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर मिलकर एक मेन जो पॉलीमर है वो बनाते हैं। मार्शल नेरिंग ब्रग्स सेल फ्री सिस्टम ऑफ फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड कोड टू बी डेसी डेसीफर्ड। तो जो मार्शल नेरिंग सेल फ्री सिस्टम था, जिन्होंने जो प्रोटीन है वो सेल से बाहर भी बना के दिखाए थे, तो उन्होंने भी जो कोडोन है उनका जो एक कॉम्बिनेशन है उसको समझाने में मदद की थी। सेवरो अकाउ एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, हैज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो आरएनए की एक एंजाइम की वजह से जो सिंथेसिस देखने को मिली, ये एक जो एंजाइम है सेवरो ओकाओ एंजाइम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो उसके अंदर भी पाया गया कि वो एक डेफिनेट एक डिफाइंड सीक्वेंस को पढ़ के ही, उसको ही एक टेम्पलेट के रूप में मान के ही वो क्या करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ से हर बार एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, अलग अलग टाइप के जो अमाइनो एसिड है उनको कोड करता है। तो जो जेनेटिक कोड है, जो 64 जेनेटिक कोड की बात की गई है, वो चार नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जो यूरेसिल, साइटोसिन, एडनिन और गुआइनिन, तो इनसे ही बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेटर रहेगा इस साइड से, सेकंड लेटर इस साइड से रहेगा, और थर्ड लेटर है जो यहाँ से रहेगा इस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले इस कॉलम के अंदर यदि हम स्टार्टिंग करते हैं, तो इसका भी यू फर्स्ट लेटर भी यू, सेकंड लेटर भी यू, और जो थर्ड लेटर है वो भी यू आएगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड वाले पोर्शन में रहेंगे, इससे सेकंड वाले साइड में जाएंगे, तो दो तो यू रहेंगे, एक यहाँ से जो थर्ड लेटर है वहाँ से सी उठेगा, उसके बाद यहाँ से दो लेटर तो यू यू रहेंगे, लेकिन जो उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो इस सीरीज के हिसाब से चलेंगे। तो ये पहले वाले में इसके यू मिलेंगे सारे, और यू जो सेकंड लेटर ऊपर वाले बॉक्स से रहेगा। तो इस तरीके से जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और जिसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन है अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जैसे यू 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 और यू यू सी है, वो फिनाइल एलिनिन जो अमाइनो एसिड होता है पी एच ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए कोड करते हैं। ये एम आर एन ए के ऊपर सीक्वेंस होती है, जिस प्रकार की सीक्वेंस एम आर एन ए पे मिलेगी उसी प्रकार का जो अमाइनो एसिड है वो टी आर एन ए लेके आएंगे साइटोप्लाज्म से, और वो उसका कॉम्बिनेशन से ही पॉलीपेप्टाइड चेन है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप अलग अलग अमीनो एसिड के जो कॉम्बिनेशन हैं जिनके द्वारा वो कोड किए जाते हैं, तो वो यहाँ से नोट कर सकते हो।
उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, सेलेंट फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, वो क्या हैं। कोडोन ट्री प्लेटफॉर्म में पाए जाते हैं, तीन तीन बेस पेयर की कम्बिनेशन में मिलेंगे। 61 कोडोन है जो वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए, जबकि तीन कोडोन ऐसे हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो इस प्रोसेस इस जो प्रॉपर्टी को डीजनरेसी बोलते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड है वो एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा भी कोड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला फिनाइल एलनिन मैंने देखा था, दो कोडोन के द्वारा कोड किया जा रहा है। कोडोन इज रीड इन एमआरएनए इन ए कॉन्टिगियस फैशन, नो पंक्चुएशन। तो जो कोडोन होते हैं एमआरएनए के अंदर जब पढ़े जाते हैं या उनको लिखा जाता है, तो वो एक साथ पढ़े जाते हैं, उनके बीच में कोई भी निशान, पंक्चुएशन, कोमा वगैरह यूज नहीं किया जाता। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, तो जो कोडोन ये हमने ट्रिपलेट कम्बिनेशन देखा है वो हर जगह लागू होता है, वो चाहे आप बैक्टीरिया से देख लो, ह्यूमन से, प्लांट से, किसी भी जगह में यदि हम यू 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 को देखेंगे तो वो हमेशा फिनाइल एलनिन नाम के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। कुछ असेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल और कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल खुद का डीएनए होता है और वो अपने हिसाब से फिर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो वहाँ पे कुछ असेप्शन जरूर देखने को मिल जाते हैं। ए यू जी होता है जो ट्रिपलेट कोडोन है, जो वो ड्यूल फंक्शन करता है, वो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और साथ में एक इनिशिएटर कोडोन का मतलब है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है केवल ए यू जी से ही शुरू होती है। जबकि जो तीन स्टॉप कोडोन की बात हम कर रहे थे वो यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, ये स्टॉप कोडोन का काम करेंगे। जहाँ पे भी ये कोडोन आ जाते हैं वहीं से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे वो स्टॉप हो जाती है, वो बंद हो जाती है, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है।